हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल उपचार नुस्खे में। दोस्तों, हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक नया और ज्ञानवर्धक वीडियो अपडेट करते हैं। यदि आप इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आसानी से हर रोज एक नया वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में तिजोरी की सही दिशा कौन सी है और हमें वास्तु के अनुसार तिजोरी को रखने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारे घर में कभी धन की कमी ना हो और घर की बरकत बनी रहे। तो आइए जानते हैं तिजोरी को घर में रखने के लिए वास्तु टिप्स। वास्तु भारतीय समाज की पुरानी परंपरा है। यदि वास्तु के नियम का पालन किया जाए तो जीवन सुखमय हो जाता है। वास्तु के अनुसार भवन निर्माण करने के साथ साथ घर की वस्तुओं के रखरखाव में भी वास्तुशास्त्र का काफी महत्व है। आमतौर पर सभी लोगों के घर में तिजोरी होती है। हर व्यक्ति पैसे, आभूषण, कागजात जैसी मूल्यवान वस्तुओं को रखने के लिए तिजोरी, अलमारी, कैश बॉक्स आदि का प्रयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अपनी मेहनत से कमाए धन को सुरक्षित रख सके तथा दिनों दिन धन में बढ़ोतरी हो। इसके लिए मनुष्य अपना कमाया हुआ धन रखने के लिए तिजोरी को बनवाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी या अलमारी गलत दिशा में रखने के कारण इसका असर घर के मुखिया की आमदनी पर पड़ने लगता है तथा घर की बरकत नहीं हो पाती। तो आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार घर के किस स्थान पर तिजोरी को रखना शुभ माना जाता है। तिजोरी या अलमारी को दक्षिण दिशा की दीवार से लगाकर रखें। आप जिस तिजोरी या अलमारी में कैश और ज्वेलरी रखते हैं, उस तिजोरी या अलमारी को हमेशा कमरे के दक्षिण दिशा की दीवार से लगाकर रखना चाहिए, जिससे अलमारी का मुंह उत्तर की ओर खुलता है। इस दिशा के स्वामी कुबेर हैं। तिजोरी का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलने से धन में बढ़ोतरी होती है। तिजोरी को पूर्व दिशा में रखना भी शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में घर की तिजोरी या धन संपत्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। यदि आप दक्षिण दिशा में तिजोरी रखते हैं तो आइए जानते हैं दक्षिण दिशा में तिजोरी रखना कैसा है। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में धन, सोना, चांदी और आभूषण रखना नुकसानदायक तो नहीं माना जाता, परंतु इस दिशा में धन रखने से धन की बढ़ोतरी भी नहीं होती है। तिजोरी वाले कमरे का रंग हल्का करें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार जहाँ पर आपने तिजोरी या अलमारी रखनी है, उस कमरे में हल्का रंग करना उचित होता है। इसके लिए आप उस कमरे का रंग ऑफ वाइट या क्रीम रख सकते हैं, इससे धन लाभ होता है। तिजोरी के पल्ले पर बैठी हुई लक्ष्मी माता की तस्वीर लगाएं। जिस अलमारी में भी आपकी तिजोरी हो, उसके पल्ले पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर लगानी चाहिए, जिसमें दो हाथी सूंड उठाए नजर आ रहे हों। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की कभी कमी नहीं होती। सीढ़ियों के नीचे तिजोरी ना रखें। वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के नीचे तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तिजोरी रखना शुभ नहीं माना जाता। सीढ़ियों या टॉयलेट के सामने भी तिजोरी को रखना उचित नहीं माना जाता। तिजोरी वाले कमरे में मकड़ी या जाले नहीं होने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा परिवार की खुशियों में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। पूजा करते समय तिजोरी को खुला रखना शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार जब भी आप पूजा करें तो यह कोशिश करें कि घर की तिजोरी का दरवाजा खुला हो। इससे घर में धन की कभी कमी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई यह सभी बातें पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।